वेलकम टू एस जे इंसेप्शन। आई एम एट द कर्नाटका एक्वेरियम, इंडियाज मोस्ट फेमस एक्सॉटिक पेट शॉप, और हमारे साथ है शॉप के ओनर सैयद भाईजान। तो भाईजान, ये मेरी इस विजिट का थर्ड वीडियो है और कर्नाटका एक्वेरियम का हमारे चैनल पर का 11th वीडियो है। प्रीवियस वीडियो में आपने मेरी जो इस विजिट पे जो मैंने वीडियोस बनाए, आपने सबसे पहले तो सलकटा टॉर्टोइस दिखाया, रेडफुट टॉर्टोइस दिखाया, उसके बाद में माटा माटा टर्टल दिखाया। बहुत ही यूनिक एक्सॉटिक पेट्स हमने शोकेस किए हमारे चैनल पर, जो मैंने खुद फर्स्ट टाइम देखे और हमारे व्यूवर्स को भी दिखाए। बहुत अमेजिंग रिस्पॉन्स मिला हमको। क्या दिखाने वाले हो अब आप? मेरे पास है कॉमन स्नैपिंग टर्टल। अभी माटा माटा के बाद मैं आपको ये दिखा रहा हूँ, कॉमन स्नैपिंग टर्टल उसका। राइट, तो बड़े भाई उसके तरफ। सो आपके सामने है कॉमन स्नैपिंग टर्टल एट कर्नाटका एक्वेरियम। तो सैयद भाई, सबसे पहले इनके नाम में हमको स्नैपिंग ये शब्द देखने को मिल रहा है। स्नैपिंग का मतलब बाइट करना या काटना, ऐसे होता है। तो ये पहले नाम का अर्थ समझाएंगे आप हमको? देखिए भाई, स्नैपिंग तो स्नैपिंग ही होता है, जैसे कि आप अभी बोले बाइट करना जी। तो ये बहुत बहुत ही बहुत गंदी तरीके से बाइट करता है, जब भी बाइट करता है। अच्छा, तो ये थोड़े बहुत ऐसे भी शौकीन हैं जो इस सब चीज़ को पालना चाहते हैं। ओके, पहली बात तो बता दूं, एलिगेटर स्नैपिंग टर्टल एक और आता है जी, और कॉमन स्नैपिंग टर्टल आता है जी। तो इसमें दो वैरायटी के टर्टल हैं। जो एलिगेटर स्नैपिंग आता है वो मतलब बहुत गंदी तरीके से काटता है। अच्छा, और कॉमन स्नैपिंग जो रहता है वो उसका पावर उतना नहीं रहता, लेकिन फिर भी ये जब अडल्ट रहता है टर्टल तो उंगली को भी अलग कर सकता है। अरे बाप, इतना तो पक्का है। ओके, तो भाई ये सब शौकीन रहते हैं जो इन सब चीज़ों को पालते हैं, जैसे यूएस वगैरह में जी। ये इसका क्रेज अभी इंडिया में शुरू हो गया है। अच्छा, क्योंकि मैं वीडियोस बना के डाल रहा हूँ तो जी, इंडिया जी। में भी अच्छा खासा इसका हमें मिल रहा है जी, जी। तो मैं कोशिश कर रहा हूँ कि हर एक टर्टल से और हर एक एनिमल से एग्जॉटिक रिलेटेड सभी एनिमल्स मैं पोस्ट करूँ इस चैनल जी, पे जी, जी। क्योंकि आपके व्यूवर्स भी बहुत एक्साइटमेंट रहेंगे इस सब चीज को देखने के लिए। सैयद भाई, मेरे ख्याल से वेस्टर्न कंट्रीज, फॉरेन कंट्रीज की तो मैं बात नहीं जानता, पर यूट्यूब इंडिया पर अभी भी स्नैपिंग टर्टल्स के बारे में लोग नहीं जानते। थोड़े बहुत लोग जानते हैं और यूट्यूब इंडिया पर भी बहुत कम वीडियोज अवेलेबल है स्नैपिंग टर्टल के बारे में। एंड मेरे हिसाब से कोई ऐसा स्टॉक तो दिखाता ही नहीं है ऑल ओवर इंडिया में। आपकी कर्नाटका एक्वेरियम में हमको स्नैपिंग टर्टल देखने को मिल रहा है, इसके बारे में मैं चाहूंगा कि आप थोड़ी बहुत जानकारी ले। अगर कोई लेना चाहता है, फर्स्ट टाइम लेना चाहता है, तो कैसे वो पाले, उसको कैसे रखे, और क्या आप सजेस्ट करोगे कि किसको ये रखना है तो वो रख सकता है, क्या प्रिकॉशन ले सकता है? देखिए, पहली बात तो मैं ये बता दूं, जो भी एक नॉर्मल चीज से भी अगर डर रहा है ना जी, तो स्नैपिंग को नहीं रखने की सजेस्ट करता हूँ। ओके, क्योंकि जब स्नैप एकदम से घूमता है ना तो बहुत गंदी तरीके से मुंह खोलता है। ओके, अगर वो काटेगा भी नहीं तो आदमी डर जाएगा। बराबर, तो ये बोलने का मेरा वजह है कि जो भी डरता है तो उसको लेना नहीं चाहिए जी। और बाकी बहुत लोगों ने, मैंने ऐसा देखा है कि कुछ भी मिले और कैसे भी मिले, रैश मिले, वो पालना पसंद करते हैं, उन लोगों के लिए बहुत अच्छी चीज़ है। बाकी इसका जो मैं सेटअप बता दूं जी, सेम जैसे नॉर्मल आप टर्टल रखते हो, सेम एज इट इज टर्टल सेटअप ही बनाना है आपको, हाइडिंग प्लेस, यूवी भी लाइट जो भी लगता है। और उसके बाद जो रहता है इसका जो डाइट है जी, डाइट आप ये लाइव फिश खा लेगा और टर्टल फूड भी खा लेगा। टर्टल फूड में आपको इसकी उतनी ग्रोथ नहीं दिखाई पड़ेगी जितना में आपको लाइव फूड में दिखाई पड़ेगा। अच्छा, हाँ। तो लाइव फूड में क्या ऑप्शन है भाई इनके लिए? लाइव फूड में आप जैसे मॉलीज दे सकते हो, जीब्रास दे सकते हो, जो भी फीडिंग फिशेस आती है वो आप फिश रख सकते हो। और इसमें आप यूनिक बात आप ये समझ लीजिए कि एक पहला टर्टल ऐसा है कि जिसकी टेल आप देख सकते हो एकदम लेंथ टेल है। Exactly. इतनी लेंथ टेल किसी टर्टल में नहीं आती है, जैसे आप चाइनीज लॉन्ग टेल की ले लो जी। इतनी लेंथ टेल किसी की पॉसिबल नहीं है, और ये टेल पे है ना बहुत बहुत वेट उठा सकती है। oh. इस टेल पे आप जब ये अडल्ट हो जाए तो आप 50 किलो भी अगर बांध देंगे तो ये खींच के लेके जाएगा। okay. उतना इसके टेल में पावर रहता है, लेकिन ये टेल से कभी मारते नहीं है और या कुछ भी। बड़े होने के बाद भी इनको ऐसे पकड़ के उठाया जाता है इधर से। ओके, नेक ऐसे पकड़ के, क्योंकि ये पीछे अगर पलटेंगे भी जी, तो हमारे हाथ पे अटैक ना कर सके जी। और अभी तो बच्चे हैं, अभी तो कुछ काटेंगे वीटेंगे कुछ नहीं जी, जी। अभी तो बच्चे हैं, बाकी बड़े होने के बाद तो 100-200% ये अटैक कर सकते हैं। ओके, तो इनको एनक्लोजर में रख सकते हैं कि टैंक में, इनको एक्वेरियम में
आप भाई सजेस्ट इनको करोगे? इंक्लोजर तो ये आराम से फोड़ देंगे, अच्छा इंक्लोजर तो आराम से ये फोड़ देंगे। इनको बेटर है टैंक पे रखना ओके या फिर फार्म हाउस वगैरह रहेगा। ओके यूनिक चीज पालने की कोशिश कर रहे हैं लोग, यूनिक चीज जिसको नहीं मिल रही है वो आपको अभी कर्नाटक एक्वेरियम पे मिल रही है, सही बात है। तो ये सब चीज अभी रख सकते हैं। ओके ये कितने साइज तक बढ़ते हैं, मैक्सिमम साइज कैसे भाई इनका? देखिए एलिगेटर स्नैपिंग का जो रहता है वो आपको मैक्सिमम साइज आपको 8 फुट तक जाता है, और कॉमन स्नैपिंग जो रहता है वो 4 फुट तक जाता है। ओके और ये अभी 4 फुट तक आराम से जाएगा। अच्छा और इनको टेम्परेचर कैसा लगता है, यूवी लाइट रिक्वायर्ड है इनको? हाँ जरूर है भाई, अभी तो बच्चे हैं तो जरूर है। ओके और इनको अगर लाइफ प्लांट दे के अभी बच्चे में रख रहे हैं तो बहुत अच्छा है, क्योंकि ये बहुत जल्दी भी ग्रो हो सकते हैं। अच्छा 3-4 महीने में तो ये इतने प्यारे हो जाएंगे, इतने बड़े हो जाएंगे ना। जी जी मतलब ये टर्टल सब टर्टल से अलग हैं ग्रोथ में। जी जितना आप फीडिंग देंगे उतना ज्यादा ग्रोथ करेंगे। ओके हाँ तो आप यहाँ से इसका लुक देख सकते हो, बेहद गजब का लुक हमको देखने को मिल रहा है यहाँ से। और किसी को भाई इसके साथ और टर्टल्स रखने हैं तो क्या रख सकते हैं कि आप सजेस्ट करोगे? पॉसिबल ही नहीं है कि भाई, इसको ही कौन रखना सा भी टर्टल इसके साथ नहीं रख सकते। अच्छा यहाँ तक अगर आप एलिगेटर स्नैपिंग भी रख रहे हो तो वो एलिगेटर इनको मार देगा। ओ। अगर कॉमन के साथ आप दूसरा टर्टल रख रहे हो तो कॉमन नॉर्मल टर्टल को मार देगा। इसका मतलब इनको अकेले ही रखना है या इनके साथ रख सकते हैं? अकेले ही रखना है। ओके इनके साथ आप बहुत बड़ी फिश भी अगर छोड़ने को ट्राई करेंगे तो वो बड़ी फिश को भी ये मार देगा। So, क्या प्राइस में भाई मिल रहा है ये? ये 15,000 रुपीज ईच पीस है भाई। okay. और ट्रांसपोर्ट तो वैसे मैं पूरी सिटी में कोशिश कर रहा हूँ, इंडिया के ऑल ओवर सिटीज में और ऑल ओवर इंडिया ट्रांसपोर्ट अवेलेबल है मेरे पास। जी जी इनका एक पीस का 15,000 है। ओके okay. और डिपेंड करता है ट्रांसपोर्ट का, अलग से हम ट्रांसपोर्ट चार्ज कर रहे हैं जी, क्योंकि ट्रांसपोर्ट अभी लॉकडाउन के बाद जो है बहुत थोड़ा बढ़ गया है। okay. तो डिपेंड करता है स्टेट के ऊपर। ओके तो भाई अगर कोई ने रखता है और क्लीनिंग प्रोसीजर वगैरह होती है, जब मेंटेनेंस होती है, तब क्या प्रिकॉशन उसे लेना चाहिए? बिल्कुल भी हाथ नहीं लगाए या बड़ा होने के बाद? मैं बात कर रहा हूँ भाई बड़ा होने के बाद, देखिए टेल को ऐसे पकड़ के उठा सकते हैं इसको। ओके क्योंकि इसकी टेल से आप उठाएंगे तो इसको कुछ नहीं होगा। अच्छा हाँ इसको ऐसे उठाएंगे तो कुछ नहीं होगा, और इसको उठाने का दूसरा आपके पास ऑप्शन नहीं है। ओके क्योंकि अगर आप दूसरी तरीके से उठा रहे हो ना तो ये बहुत गंदी तरीके से काटेगा। अभी तो कुछ नहीं करेगा, अभी बच्चा है जी, अभी तो कुछ नहीं करेगा। ओके जब अच्छा खासा बड़ा हो जाएगा ना जी जी, तब ये बहुत बहुत प्यारे तरीके से भी काट अच्छा, सकते हैं। हाँ। ओके और इसका बैक पोर्शन देख सकते हैं जी, इसका बैक पोर्शन देख सकते हैं, एकदम बहुत पतली सी इसकी स्केल्स है जी। जैसे शेल आप देख सकते हैं, बहुत पतला सा इधर आके ऐसा बना हुआ है शेप जी, एक शेप जी, इतनी ही बस इसको हड्डी है इधर। ओके बाकी सब गोश्त रहता है अंदर। अच्छा हाँ ये बहुत हेल्दी इसी वजह से हो पाते हैं कि ये ग्रोथ बहुत जल्दी से पकड़ लेते हैं ग्रोथ को। अच्छा हाँ ओके अभी आपके पास क्या साइज के भाई? ये आप लगभग रख लीजिए 3 इंच या 4 इंच। अच्छा हाँ 4 इंच के रख लीजिए। ओके तो 4 इंच के अभी मेरे पास अवेलेबल है। ओके और जैसे रेडियस स्लाइडर्स को भाई हम अलग अलग ट्रीज देते हैं, वैसे भी इनको दे सकते हैं वेज में, वेजीज दे सकते हैं? हाँ भाई दे सकते हैं, अगर ये खा रहे हैं तो इनको कुछ भी दे सकते हैं। ओके ये बहुत हार्ड टर्टल है, क्योंकि जैसे रेडियस स्लाइडर को कोई भी इन्फेक्शन आ गया मर जी, गया जी, तो ये टर्टल बिल्कुल उनसे अलग है। इनको अच्छा। कुछ भी हो Okay. ये बस खाने पीने पे कॉन्सेंट्रेट ज्यादा करते हैं। ओके okay. तो जो नॉर्मल टर्टल स्टिक्स भी इनको फीड कर सकते हैं हम लोग? हाँ नॉर्मल टर्टल स्टिक भी फीड कर सकते हैं, लेकिन इसमें 100% उनकी ग्रोथ नहीं है। अच्छा लेकिन पेट भरने के लिए वो ये खा सकते हैं। ओके okay. तो अगर किसको अगर ग्रोथ करानी है, अच्छी साइज में उनको डेवलप करना है, तो लाइव फीड देना चाहिए उनको? हाँ लाइव फीड बहुत अच्छा रहेगा। ओके okay. और इनकी जो अडल्ट साइज है वो कितने इयर्स में डेवलप होती है भाई? आराम से अगर आप लाइव फीड पे जा रहे हैं जी, तो 2 साल में इनका फुल्ली अडल्ट साइज आपको 4 फुट तक दिखाई पड़ जाएगा। ओके और अडल्ट साइज के लिए आप क्या टैंक साइज रेकमेंड करोगे इनको रखने के लिए? भाई मैं तो इनको टैंक साइज रेकमेंड ही नहीं करूंगा पॉन्ड के अलावा, ओ, क्योंकि ये पॉन्ड में बहुत अच्छे रह लेते हैं। अच्छा
हाँ, और अगर आप अगर जैसे कि घर पे रख रहे हो, घर पे उतनी स्पेस नहीं है जी तो 4 फुट बाई 4 फुट की टैंक रख सकते हो, लेकिन अडल्ट होने के बाद आपको कम से कम 12 फुट बाई 12 फुट की एक टैंक रखनी पड़ेगी। इससे ओके, अच्छा तो आप पॉन्ड ही बना सकते हो। पॉन्ड बना सकते हैं, राइट। हाँ सही बात है। और मैं चाहूँगा कि आप इनकी टेल देखें किस तरह से बहुत ही लंबी सी है और पॉइंटेड भी है। जब ये एंड होती है, ख़त्म होती है तब पॉइंटेड हो जाती है। तो ये थे कॉमन स्नैपिंग टर्टल अवेलेबल एट कर्नाटका एक्वेरियम। इनकी प्राइस है 15,000 रुपीज़। और जो बेंगलुरु में रहते हैं वो कर्नाटका एक्वेरियम शॉप में पर्सनली आके स्टॉक को देखकर परचेस कर सकते हैं। आउट ऑफ बेंगलोर या आउट ऑफ कर्नाटका रहने वाले व्यूवर्स आप कॉन्टैक्ट नंबर के ऊपर संपर्क कर सकते हैं, व्हाट्सएप पे या कॉल कर सकते हैं, और कर्नाटका एक्वेरियम की इंस्टाग्राम पेज पर भी मैसेज कर सकते हैं अगर आपको स्टॉक के बारे में इंक्वायरी करनी है, परचेस करनी है, डिलीवरी के बारे में जानना है। तो सो दीज वो द कॉमन स्नैपिंग टर्टल्स अवेलेबल एट कर्नाटका एक्वेरियम। ये भी हमने फर्स्ट टाइम हमारे चैनल पे डिस्प्ले करे हैं, फर्स्ट टाइम फीचर किए हैं। मैं आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो भी बहुत पसंद आया रहेगा। ये कुछ यूनिक वीडियो, कुछ अलग वीडियो, कुछ हटके वीडियो हमने शूट किया है कर्नाटका एक्वेरियम। थैंक यू सो मच सैयद भाईजान फॉर शोइंग अस दिस एक्सॉटिक स्पीसीज, एक्सॉटिक पेट्स अवेलेबल एट योर शॉप। सो अब हम शूट करेंगे अगला वीडियो, सो स्टे ट्यून्ड फॉर दैट वीडियो एज वेल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड हैव अ वंडरफुल डे अहेड।